क्लास, आज हम जो नया चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है मेयर ऑफ डिस्परियन, चैप्टर नंबर 4। मेयर ऑफ डिस्परियन आपके पास क्या है? इट इज़ अ मेयर ऑफ स्प्रेड ऑफ डाटा अबाउट दी मीन, कि जो आपके पास मीन एवरेज होता है उसका, जो आपके पास डाटा से जो आपके पास एवरेज और मीन निकलता है उसको मेयर करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? मेयर ऑफ डिस्परियन। सेकंड आपके पास क्या है? डिस्परियन द स्प्रेड और वेरिएबिलिटी ऑफ स्कोर्स अबाउट द मेयर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, के मेयर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को हम मेयर करने के लिए जो स्कोर्स यूज़ करते हैं वही हमारे डाटा को क्या करते हैं? वेरी करते हैं और स्प्रेड करते हैं, कि मतलब फैलाते हैं। इसके आगे आपके पास फर्दर टू टाइप्स हैं। फर्स्ट आपके पास क्या है? एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्परियन, जो आपके पास यूनिट होगा मीन के, जो आपके पास क्वेश्चन में यूनिट होगा वही आपके पास आंसर में यूनिट होना चाहिए। अगर आपका क्वेश्चन किलोग्राम्स में है तो आपका आंसर भी किलोग्राम में होगा। इसी तरह अगर आपके पास मीटर्स में है आपका क्वेश्चन तो आपका आंसर भी मीटर्स में आएगा। सेकंड टाइप जो है आपके पास वो है रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्परियन। रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्परियन में आपके पास क्या होता है कि अगर आपके पास क्वेश्चन यूनिट में है तो ये आपके पास आंसर यूनिट में नहीं आएगा, ये डिफरेंट हो जाएगा। अगर आपके पास क्वेश्चन भी किलोग्राम में है तो आंसर आपके पास किलोग्राम में नहीं होता। इसको हम कंपेयर करने के लिए यूज़ करते हैं रिलेटिव मेजर को, दो डाटा को या दो वैल्यूज़ को कंपेयर करने के लिए हम रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्परियन यूज़ करते हैं। An absolute measure of dispersion, an absolute measure of dispersion in which, in that which measure the variation present between the observation in the unit of the variable. अब हमारे पास absolute measure of dispersion क्या है कि जो हमारे data variable में या दो values में जो variation present होता है उसको measure करने के लिए हम क्या use करते हैं? Absolute measure of dispersion. Absolute measure can be used for comparison of dispersion in two or more than two set of data. वही बात कि हम dispersion में आपके पास data में जितने भी दो या दो से ज़्यादा अगर आपके पास data है तो आप उसको comparison करने के लिए क्या use करेंगे? Absolute measure of dispersion. Absolute measure of dispersion हमारे पास commonly used are, the absolute measure which are commonly used are the range, the quartile deviation and the mean deviation and standard deviation and variance. Relative measure of dispersion. A relative measure of dispersion is that which measure the variation present between observations relative to their average. अब average के दरमियान जो हमारे पास variation present होता है उनको measure करने के लिए हम क्या use करते हैं? Relative measure of dispersion. It is used to compare the variation between two or more set of data. जैसे हमने absolute measure of dispersion में पढ़ा कि हम दो या दो से ज़्यादा data में variation के दरमियान को compare करने के लिए हम क्या use करते हैं? Absolute measure of dispersion. इसी तरह ही हम compare करने के लिए, इधर भी compare करने के लिए हम क्या use करेंगे? Relative measure of dispersion. Each absolute measure of dispersion can be converted into its relative measure. के हर absolute measure of dispersion वो किस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा? रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्परियन में। थस द रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्परियंस आर कॉफिशेंट ऑफ रेंज, कि हमने जो पहले रेंज पढ़ा उसका कॉफिशेंट, फिर हमने क्वार्टाइल डेविएशन देखा उसका कॉफिशेंट, कॉफिशेंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, फिर है आपके पास कॉफिशेंट ऑफ मीन डेविएशन के मीन डेविएशन का कॉफिशेंट, उसके बाद कॉफिशेंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन एंड देन कॉफिशेंट ऑफ वेरियंस। एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्परियन में जो हमने पहला देखा वो आपके पास क्या था? रेंज। अब रेंज हमारे पास क्या है? द रेंज इज द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट वैल्यू एंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू इन अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन, कि आपके पास हाईएस्ट वैल्यू और स्मॉलेस्ट वैल्यू का जो डिफरेंस होगा उसे हम क्या कहेंगे? रेंज। अब रेंज का फार्मूला आपके पास क्या है? एक्स एम माइनस एक्स नॉट। एक्स एम हम किसको कर रहे हैं? प्रेजेंट एक्स एम किसको प्रेजेंट कर रहा है? लार्जेस्ट वैल्यू को, और एक्स नॉट स्मॉलेस्ट वैल्यू इन द कॉफिशेंट ऑफ रेंज। कॉफिशेंट हमने क्या पढ़ा? कंपेयर करने के लिए यूज़ करते हैं। ए रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्परियन बेस्ड ऑन द रेंज इज कॉल्ड द कॉफिशेंट ऑफ रेंज, और हमने हर एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्परियन को किस में चेंज करना है? रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्परियन में। अब हमने रेंज को रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्परियन में चेंज किया तो वो आपके पास क्या बना है? कॉफिशेंट ऑफ रेंज। और कॉफिशेंट ऑफ रेंज का फार्मूला आपके पास क्या है? एक्स एम माइनस एक्स नॉट ओवर एक्स एम प्लस एक्स नॉट। हाँ जी, आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, कंप्यूट द रेंज एंड द कॉफिशेंट ऑफ रेंज फॉर द ऑब्जर्वेशंस। उसका पार्ट 1 आपके पास है 2000, उसकी वैल्यूज जो है 2035, 415, 40, 1500, 300, 690 एंड 250। अब हमने इसका क्या क्या फाइंड आउट करना है? रेंज भी एंड कॉफिशेंट ऑफ रेंज भी। रेंज का फार्मूला हमारे पास क्या है? एक्स एम माइनस एक्स नॉट के लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। अब लार्जेस्ट वैल्यू हमारे पास डाटा में कौन सी है? 2000, और स्मॉलेस्ट वैल्यू जो है वो है 6। 2000 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 1994, ये आपके पास आ गया रेंज। देन हमने क्या फाइंड आउट करना है? कॉफिशेंट ऑफ रेंज। कॉफिशेंट ऑफ रेंज आपके पास एक्स एम माइनस एक्स नॉट और एक्स एम प्लस
एक्स नॉट कि हमारे पास जो ऊपर एक्स एम की लार्जेस्ट वैल्यू है उसमें से हमने स्मॉलेस्ट वैल्यू माइनस करनी है, और जो आपके पास डिवीजन में वैल्यूज हैं उन दोनों वैल्यूज को आपने क्या कर देना है, ऐड कर देना है। माइनस करके 1994 एंड ऐड करके जो वैल्यू आई है वो आपके पास 2006 है, दोनों को डिवाइड किया तो आपके पास 0.994 कोफिशिएंट ऑफ रेंज आ गया। देन जो आपने क्वेश्चन जो करने हैं रिमेनिंग पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर वन, लॉन्ग क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू एंड क्वेश्चन नंबर थ्री, एंड जो आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है वो आपने क्वेश्चन नंबर वन से लेकर क्वेश्चन नंबर 14 तक प्रिपेयर करने हैं। हाँ जी, सेकेंड आपके पास एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन क्या था, क्वार्टाइल डेविएशन। अब क्वार्टाइल डेविएशन आपके पास क्या है, इट इज़ बेस्ड ऑन द लोअर क्वार्टाइल Q1 एंड द अपर क्वार्टाइल Q3। जो आपने मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी चैप्टर नंबर 3 में मीडियन पढ़ा है उसकी पार्टिशनिंग वैल्यूज क्वार्टाइल, जिनको हम 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं Q1 एंड Q3, ये क्वार्टाइल डेविएशन किस पे बेस कर रहा है, आपके पास लोअर क्वार्टाइल Q1 एंड अपर क्वार्टाइल Q3। द डिफरेंस बिटवीन Q3 माइनस Q1 इज कॉल्ड द इंटर क्वार्टाइल रेंज, द डिफरेंस Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2 इज कॉल्ड सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज और द क्वार्टाइल डेविएशन। अगर हम उस Q3 माइनस Q1 को 2 पे डिवाइड कर देते हैं तो वो आपके पास क्या बन जाएगा, क्वार्टाइल डेविएशन। सेकेंड आपके पास क्या है कि हमने एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन को किस में चेंज करना है, रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन में। तो रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन में अगर वो हम उसे चेंज करेंगे तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। अ रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन बेस्ड ऑन द क्वार्टाइल डेविएशन इज कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, इट इज डिफाइंड एज कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल्स टू Q3 माइनस Q1 ओवर 2 ओवर Q3 प्लस Q1 ओवर 2 इज इक्वल्स टू, आगे हम उसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास Q3 माइनस Q1 ओवर Q3 प्लस Q1, जो कि आपके पास क्या है, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन के लिए हमने क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 देखा है, द फॉर द डेटा गिवन बिलो कंप्यूट क्वार्टाइल डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। जैसे हमने पहले रेंज का एक क्वेश्चन किया वैसे हम क्वार्टाइल डेविएशन का क्वेश्चन करेंगे। आपके पास सारी वैल्यूज गिवन है, हम पहले हमारे पास अब ये क्या है, क्वार्टाइल है तो ये मीडियन की पार्टिशनिंग वैल्यू है, तो मीडियन को हम पहले क्या करते हैं, अरेंज करते हैं देन उसे फाइंड करते हैं। अब इधर भी हमने ऐसे ही करना है कि पहले अपनी सारी वैल्यूज़ को अरेंज करना है, फिर उसके बाद लोअर क्वार्टाइल और अपर क्वार्टाइल फाइंड आउट करना है। सब अरेंज कर लिए वैल्यूज़ तो आपके पास Q1 फार्मूला क्या है, एन ग्रुप डाटा से इज इक्वल्स Q1 इज इक्वल्स टू एन प्लस 1 ओवर 4। अब 4 आपके पास क्यों आया, क्योंकि ये मीडियन की पार्टिशनिंग वैल्यू है, क्वार्टाइल है, इसमें हम वैल्यूज़ तो Q3 तक लेते हैं, Q1 Q2 एंड Q3 तक, लेकिन हम डिवाइड कितने पे करते हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 4 पे। तो आपके पास एन टोटल 20 वैल्यूज़ हैं, 20 प्लस 1 ओवर 4 इज इक्वल्स टू 21 ओवर 4। 21 को जब हमने 4 पे डिवाइड किया तो 5.25 आया कि फिफ्थ आइटम प्लस 0.25। हमने अब अपना Q1 का सेकेंड फार्मूला अप्लाई किया जो फिफ्थ आइटम प्लस 0.25 सिक्स्थ आइटम माइनस फिफ्थ आइटम। अब फिफ्थ आइटम की आपके पास वैल्यू जो है वो 1230 है प्लस 0.25 एंड सिक्स आइटम की जो वैल्यू है वो 1310 है, 1230 माइनस 1230। अब जब हमने इस सब को सॉल्व किया तो आपके पास क्वार्टाइल डेविएशन Q1 जो है वो क्या है, 1250। अब फर्दर हम Q3 अपर क्वार्टाइल फाइंड आउट करेंगे। हाँ जी, Q3 इज इक्वल्स टू 3n प्लस 1 ओवर 4। अब ये क्वार्टाइल डेविएशन अपर क्वार्टाइल डेविएशन है आपके पास Q3 3 इंटू 2 20 प्लस 1। अब 20 आपके पास क्या है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो n है, डिवीजन में आपके पास 4, जब इसको सॉल्व किया तो आपके पास 15.75 आया। अब हमारे पास Q3 का जो सेकंड फार्मूला है, 15th आइटम प्लस 0.75 16th आइटम माइनस 15th आइटम, 15th वैल्यू आपके पास क्या थी, 1740। अगर हमने अरेंज वैल्यू देखनी है तो 1740 प्लस 0.75 16th आइटम 1745 माइनस 1740। अब इस सब को जब सॉल्व किया तो आपके पास Q3 क्या आया, 1743.75। अब हमने इसका क्या सॉल्व करना है, क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन का फार्मूला आपके पास क्या है, Q3 माइनस Q1 ओवर 2। Q3 आपके पास क्या है, 1743.75 और Q1 जो हमने अभी सॉल्व किया वो आपके पास क्या है, 1250 डिवीजन में 2 इज इक्वल्स टू 493 माइनस 75 डिवीजन 2 इज इक्वल्स टू 246 माइनस 0.2875। क्वार्टाइल डेविएशन आपके पास वैल्यू क्या है, ये 246.875। अब हमने इसका क्या फाइंड आउट करना है, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन का फार्मूला आप लोगों के पास क्या है, Q3 माइनस Q1 ओवर Q3 प्लस Q1।
कि आपने वही वैल्यूज़ एक मरतबा माइनस करनी है और वही वैल्यूज़ आपने एक मरतबा प्लस करनी है, और देन उन्हें डिवाइड कर देना। डिवाइड करके आपके पास जो वैल्यू आई है 0.165, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन भी हो गया और क्वार्टाइल डेविएशन भी हो गया। अब जो आपने इससे रेलिवेंट क्वेश्चंस करके आने हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन हैं 15, 16, 17, 18 एंड 19, और लॉन्ग क्वेश्चन 6, 7 एंड 8।